हे अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा मस्त होने वाली है क्योंकि मैं करने वाला हूँ मेन आईडी में ग्रैंड मास्टर टू ब्रॉन्ज। ये क्या बात करता है यार। और ये वाला जो चैलेंज है ना काफी ज्यादा डिफरेंट है और काफी ज्यादा यूनिक भी है। और मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो ब्रॉन्ज टू ग्रैंड मास्टर। जैसे ही आप सर्च करोगे और देखोगे कि कितनी सारी वीडियोस ब्रॉन्ज टू ग्रैंड मास्टर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप वही सर्च करो ग्रैंड मास्टर टू ब्रॉन्ज वाली वीडियो तो आप सभी को वैसा वीडियो एक भी देखने को नहीं मिलेगा। वही सेम वीडियो आप सभी को देखने को मिलेगा ब्रॉन्ज टू ग्रैंड मास्टर पुशिंग का। ये बड़ी अच्छी बात है। इसलिए भाई लोग जो है ना वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए। और ये जो हमारा ग्रैंड मास्टर टू ब्रॉन्ज की सीरीज का एपिसोड नंबर 1 होने वाला है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को काफी ज्यादा कुछ बता दिया है, चलिए तो वीडियो को बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों करेंटली आप मेरा रैंक देख पा रहे हो कि इलाइट होरिक 5 स्टार लगा चुका हूँ। और अगर स्कोर की बात की जाए तो 5449 है। और इस सीरीज में मेरा साथ देने वाला है मेरा टीममेट। और करेंटली मेरे टीममेट का भी इलाइट होरिक 4 स्टार लगा चुका है और स्कोर की बात करें तो 5057 है। ओके तो लेट्स ऑल राइट माय यूट्यूब फैमिली, तो चलिए अब बढ़ते अपने गेम प्ले की ओर। ये वाला जो हमारा पहला मैच होता है हम लैंड करते हैं पिक में। और जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारे बंदे भी आए हैं। और ये रहा बंदा, अरे इस बंदे के पास डबल वेक्टर था, इसने मुझे बॉडी बॉडी शॉट मार के डाउन भी कर दिया। ओके तो इस बंदे ने मुझे फिनिश भी कर दिया, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्योंकि बेसिकली हम लोग को ऐसे प्लेस पे लैंड करना है जहां पर बहुत सारे बंदे आए। और लैंड करते जो भी गन मिले या कुछ भी मिले हम लोग को सबसे पहले बंदे को मारने जाना या फिर मर जाना है। क्योंकि हम लोग को हर गेम माइनस ही करना है, प्लस नहीं करना है। इसलिए हम लोग अपना माइंड भी यूज नहीं करेंगे ना ही स्ट्रेटेजी लगाएंगे बंदे को मारने के लिए। सिर्फ एक सिंपल सा गेम खेलेंगे, जैसे तैसे बंदे पे रश करेंगे और बंदे को मारेंगे या फिर हम लोग खुद मर जाएंगे। हम लोग जितना भी गेम प्ले करने वाले ना डुओवर्स स्क्वाड में करेंगे और हर एक गेम को माइनस करेंगे। ओके तो ये हमारा पहला गेम होता है और माइनस मिलता है 42 का। और मैं ना आप सभी को एक भी गेम प्ले कट करके नहीं दिखाऊंगा। टोटल कितना मैच लगेगा ग्रैंड मास्टर टू ब्रॉन्ज जाने के लिए वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम प्ले की ओर। ये वाला हमारा दूसरा मैच होता है और सामने की तरफ ये बंदा मुझे दिखाई दिया जिसको मैं M41 से स्प्रे करता हूं, लेकिन पीछे वाला बंदा पता नहीं अचानक से कहां से आता है और मुझे फिनिश कर देता है। और मेरा टीममेट उसी बंदे को डैमेज देता है जिस बंदे ने मुझे अभी मारा था। और देख रहे हो हम लोग यहां पे जैसे तैसे रश कर रहे हैं बंदे को मार रहे हैं, हम लोग को जल्दी जल्दी गेम को खत्म करना और गेम को जितना हो सके जल्दी जल्दी माइनस भी करना है। मेरा टीममेट जो काफी ज्यादा उस बंदे को डैमेज कर दिया है, बट वो बंदा भाग रहा है सामने की तरफ। और नो, यहाँ पे मेरे टीममेट ने उस बंदे को तो डाउन कर दिया फार्मर से बॉडी बॉडी शॉट मार के। और मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ कि इस बंदे को जल्दी से फिनिश करके आप जाओ और जल्दी से दूसरे बंदे से मर जाओ। हम लोग ना एक तरीके से ये कर रहे हैं कि हम लोग फ्री किल बंदे लोग को बांट रहे हैं। और उस बंदे को फिनिश करने के बाद मेरा टीममेट यहाँ पे आगे की तरफ आता तो काफी गंदा डैमेज देता। फिर अपने टीममेट को मैं बोलता हूँ वापस आप उधर ही जाओ और उस बंदे से मर जाओ। मेरा जो टीममेट वापस से ऊपर की तरफ आ जाता है और यहाँ पे वो जैसे ही आता तो पीछे से एक बंदा आता है उसको फिनिश कर देता है। और फिर गेम से बैक आते हैं, उसके बाद स्कोर देखते तो माइनस होता है इस गेम में भी 42 का ही। फिर से हम लोग तीसरे गेम को स्टार्ट कर देते हैं और ये वाला मैप भी आता है नेक्स्ट एरिया ही। और मुझे गन मिल गया G36, तो चलो इस बंदे को मारने के लिए चलते। और सामने की तरफ बंदा, उसको मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया, मेरे टीममेट को उस बंदे ने डाउन करके फिनिश भी कर दिया है। तो ये जो बड़ी अच्छी बात है कि इसने मेरे टीममेट को फिनिश कर दिया, माइनस होने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा हम लोगों को। तो वाह, मैंने तो तुक्के में इस बंदे को इतने शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मार दिया, बट इस बंदे ने फिर भी मुझे फिनिश कर दिया और इस बंदे को 2 किल फ्री का मिल चुका है। अच्छा, और इस वाले मैच में ना 37 का माइनस मिलता है। ये वाला हमारा फोर्थ नंबर मैच होता है और सामने की तरफ एक बंदा ये ताताशिया यूज करके आगे की तरफ भाग रहा है और इस कार के स्प्रे करता है उस बंदे पे, बट ये बंदा हेडशॉट मुझे मार दिया। और मुझे नॉकडाउन करने के बाद जल्दी से ये बंदा मुझे फिनिश भी कर देता है और सामने मेरे टीममेट को भी मार दिया उस बंदे ने हेडशॉट। और यहाँ पे हम दोनों ही फिनिश हो चुके हैं। थैंक यू मार्कस हम दोनों को फिनिश करने के लिए। कहाँ से आते हैं? ये वाला हमारा पांचवा नंबर मैच है, मेरे टीममेट को तो डाउन कर दिया है, बहुत सही है। तो चलो यहाँ पर मुझे MP5 मिला, मैं भी जा रहा हूँ बंदे को मारने के लिए और मर जाऊंगा उस बंदे से। और आई थिंक वो बंदा यहीं पे छिपा हुआ है और ये रहा। और ये बंदा को मैंने MP5 से हेडशॉट मार के इसको सोनी एक्टिवेट कर दिया और ये बंदा डाउन भी हो गया फाइनली। और इस बंदे पे MP5 से स्प्रे करके फाइनली मैंने इसको फिनिश भी कर दिया। और इस बंदे को फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, बहुत सारे बंदे होते मरने के लिए और यहाँ पे फाइनली इस बंदे ने मुझे फिनिश कर दिया, तो गुड जॉब। और इस वाले मैच में माइनस मिलता है सिर्फ 11 का। ये वाला हमारा सिक्स मैच होता है और ये बंदा मेरे साथ भी एक लैंड किया, इसको मैंने AK से डैमेज दिया, बट ये बंदा आगे की तरफ भाग जाता है। अरे भाई रुक जा, कहाँ भाग रहा है, फ्री का किल मिलेगा तुझे, हम लोग तो सिर्फ तुम लोगों से मरने आए, फ्री का किल देने आए, भाई तो मारो ना हम लोग को। और फिर अपने टीममेट से कहना कि मैं दो बंदे को अकेले मार दिया और प्रो वाली फीलिंग्स भी आएगी यार। अरे तुम्हें तो भाई सॉरी, गलती से मैंने तुमको डाउन कर दिया और तुमको जल्दी से मैं यहाँ पे फिनिश भी ले लिया। कोई बात नहीं भाई, तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हारे टीममेट को फ्री किल मिल जाएगा। और मैं यहाँ जैसे ही आ गया हूं तो एक बंदा, इसको मैंने M1014 का स्प्रे किया, इसको मैंने डाउन कर दिया और यहाँ पे पीछे वाला बंदा किसी का टीममेट मुझे फिनिश कर दिया, तो गुड जॉब भाई। थैंक यू सो मच फिनिश करने के लिए मुझे आशिक भाई। और इस वाले मैच में मुझे 30 का माइनस मिलता है, तो ये काफी अच्छी बात है मेरे लिए। ये वाला हम लोग का 7th मैच होता है और मैप आ जाता है नेक्स्ट एरिया और सामने की तरफ बंदा, इसको मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, पीछे से एक और बंदा मुझे डैमेज देने लगा। अरे भाई क्यों इतना मार रहे हो, लेना भाई तुम ही लोग को तो किल देने के लिए आए हैं, फ्री का किल लो भाई, बहुत
बहुत अच्छे मारो, और यहाँ पे मेरा टीममेट लास्ट ही बचा हुआ, अपने टीममेट को मैं बोलता हूँ जल्दी से जाओ और आप भी मर जाओ। और मेरा जो टीममेट है ना छोटा वाला शॉटगन लेता है उस बंदे को मारने के लिए चला जाता है, और यहाँ पे एक बंदे को तो ऑलरेडी किल चोरी कर लिया, और यहाँ पर एक और बंदा ये पता नहीं कहाँ देख रहा है भाई, पीछे तो देख। और मेरा जो टीममेट है ना इस बंदे को फिस्ट से मारने लगता है, बट ये बंदा मेरे टीममेट को फिनिश कर देता है। ओके तो चलो गेम को बैक करते हैं और देखते कितने का माइनस मिलता है। और इस वाले गेम में मुझे माइनस मिलता है 42 का, तो ये काफी ज्यादा अच्छा मिला है माइनस। और पता है हम लोग को काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था गेम को माइनस करने में। हम लोग जो ना फिर से नेक्स्ट गेम स्टार्ट कर देते हैं, और ये वाला हमारा 8वां मैच होता है। और लैंड करते ही मुझे G36 और VSS मिल चुका है, और अब ये दोनों गन लेके मैं बंदे से जा रहा हूँ मरने के लिए या फिर मारने के लिए। यहाँ पे मेरे टीममेट को डाउन कर दिया है, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब मैं भी जा रहा हूँ उस बंदे से मरने के लिए, और काफी ज्यादा बंदा है सामने की तरफ, और वो रहा बंदा। ओ वाओ, इसको तो हेडशॉट के साथ मैंने डाउन कर दिया, और मैं यहाँ फिनिश ही करने लगता हूँ कि ये बंदा मुझे सामने से फिनिश कर दिया मुझे, तो बहुत अच्छी बात है, गुड जॉब ब्रदर। तो लेट्स सी देखते हैं भाई लोग इस वाले गेम में कितने का माइनस मिलता है। और इस वाले गेम में मुझे माइनस मिलता है 33 का, और मेरा इलाइट रोई का 5 स्टार लगा था, फाइनली मैं 4 स्टार पे आ चुका हूं। टोटल मैंने 8 मैच खेले तब जाके मेरा 1 स्टार माइनस हुआ है, तो ये वाला चैलेंज भी काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। ओके तो देखते हैं टोटल कितना मैच खेलना पड़ेगा हमें ग्रैंड मास्टर 2 ब्राउन जाने के लिए। हम लोग फिर से एक और गेम स्टार्ट कर देते हैं, और ये वाला हमारा 9th मैच होता है। और यहाँ पे लैंड करते हैं मुझे यहाँ पे स्कार मिल जाता है लेवल 1 की, तो चलो अब चलते हैं को ढूंढने के लिए। और यहाँ पे बंदा आया, इसको मैंने थोड़ा सा मारा, और यहाँ पे ग्लोवल लगा के पीछे की साइड आ जाता हूँ, और मैं घूम के जा ही रहा हूँ तो कि ये भी बंदा घूम के इधर से आ जाता है। फिर से इसको मैंने काफी ज्यादा स्प्रे किया, इस कार को काफी ज्यादा डैमेज भी कर दिया मैंने, बट ये बंदा तो ग्लोवल लगा लिया। भाई आजा मार ले भाई, फ्री का ही किल दे रहा हूँ मैं, पीछे से भी आके मार या सामने से मार। अरे भाई कहां से इसी का टीममेट आके मुझे फिनिश कर दिया, तो ये काफी अच्छी बात है, गुड जॉब ब्रदर। ओके तो मैंने गेम को बैक कर दिया और माइनस मुझे मिला 30 का। अरे गरेने वाले सर प्लीज ना, 150-200 का माइनस हो पर गेम में। फिर से हम लोग यहाँ पे एक और मैच को स्टार्ट कर देते हैं, ये वाला हमारा 9th मैच होता है। और सामने की तरफ बंदा, इसको मैं M60 से थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, बट वो बंदा आगे की तरफ भाग जाता है। उस बंदे ने मुझे भी थोड़ा सा डैमेज दिया, बट यहाँ पे मैं ग्लू वॉल लगा लेता हूँ, फिर से मैं इस पे रश करता हूँ, बट वो बंदा आगे की तरफ भाग गया। और यहाँ पे ब्लू जोन है और काफी सारे बंदे भी यहाँ पर आए हैं देख सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से मरने की कोशिश करेंगे। फिर से मैंने इसको डैमेज दिया, बट वो बंदा आगे भाग गया, और इसने काफी ज्यादा मुझे डैमेज भी कर दिया। तो चलो कोई बात नहीं, ये भी काफी अच्छी बात है कि हम लोग को जितना जल्दी गेम फिनिश होगा उतना अच्छा माइनस भी मिलेगा। और जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हो मेरा टीममेट जो किसी बंदे से जाके मर चुका है, तो काफी अच्छा है। अब मैं भी किसी और बंदे से जाऊंगा और फिर जल्दी से मैं भी मर जाऊंगा। वो बंदा तो पता नहीं कहाँ भाग जाता है, मैं यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे बंदा होता है जिससे मरने के लिए, और ये यहीं पे है। और इस बंदे को जैसे मैं डैमेज देने लगता हूँ M60 का, बट ये बंदा ग्लू वॉल लगा लेता है। और इस बंदे को घूम के मैं ट्राई करता हूँ मारने के लिए, तो मैं यहाँ पे गलती से नीचे की तरफ जंप कर जाता हूँ, और मेरे साथ साथ ये भी बंदा नीचे जंप कर जाता है। इस बंदे को मैं M60 से बॉडी शॉट मार के इसको डाउन कर देता हूं, और इसको मैं फिनिश करने लगता हूं कि सामने वाला बंदा मुझे यहां पे फिनिश कर देता है। तो चलो जिस किसी ने भी मारा, बट ये अच्छी बात है। तो चलो अब जल्दी से गेम को बैक करते और देखते कि कितने का माइनस मिला है। और इस वाले मैच में ना मुझे 28 का माइनस मिलता है। हम लोग ना फिर से एक और मैच स्टार्ट कर देते हैं, और हम लोग लैंड करते पिक पे, बट वहां पे कोई भी बंदा नहीं आता है, तो हम लोग गाड़ी चले जाते हैं बंदे को ढूंढने के लिए। और फाइनली हम लोग को यहाँ पे बंदा मिल जाता है। 97 का हिट शॉट लगा है सामने वाले बंदे को, शायद मुझे लगता है ना यहाँ पे 3 से 4 बंदे हैं, सामने की तरफ जो ग्लू वॉल लगी है वहाँ पे भी बंदा है। तो चलो ये काफी अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि जितना ज्यादा बंदा रहेगा ना हम लोग फाइट लेके आसानी से उस सबसे मर सकते हैं। और मैंने सामने वाले बंदे को XMH से बॉडी शॉट मार के डाउन कर दिया, और इसी का टीममेट ना सामने की तरफ से मुझे डैमेज दे रहा है, बट यहाँ पे ये रिवाइव हो रहा था, इसको मैंने फिनिश कर दिया। और सामने भी शायद से 2 से 3 बंदे, मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, बट यहाँ पे उससे पहले मेरे टीममेट को डाउन कर देता है सामने वाला बंदा। फिर मैं सामने की तरफ ग्लू वॉल लगा देता हूँ, अपने टीममेट को रिवाइव करने रखता हूँ। और आप लोग सोच रहे होगे ना कि हम लोग को गेम माइनस करना है तो रिवाइव क्यों कर रहे हैं, तो आप लोग सही सोच रहे हो, हम लोग को मरना है और माइनस ही करना है गेम को। लेकिन हम लोगों को पता है ना कि गेम माइनस ही होगा, प्लस नहीं होगा। हम लोग जो है ना फाइट थोड़ा बहुत इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सके, ना कि बोरिंग। और मैं वहां से अपने टीममेट को रिवाइव करने के बाद आगे की तरफ आ जाता हूं। पता नहीं कहां से अचानक से पीछे से एक बंदा आके काफी ज्यादा मुझे डैमेज कर देता है, और इस बंदे को मैं हेडशॉट मार देता है क्योंकि ये बंदा सीधी मेरे तरफ रश कर रहा होता है। तो आप लोग भी गाइस कभी भी ऐसा मत करना, सीधा डायरेक्ट रश मत करना, वरना आपको कोई भी बंदा हेडशॉट आसानी से ले सकता है। अब उस बंदे को फिनिश करने के बाद हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ आ जाते हैं, और एक बंदा सामने की तरफ, इसको मैंने हेडशॉट भी मार दिया, बट ये बंदा मुझे डाउन कर दिया। तो चलो सही किया, इस बंदे ने मुझे यहाँ पे डाउन कर दिया और फिनिश भी कर दिया है, क्योंकि हम लोग को अब जल्दी से जल्दी गेम को फिनिश करना होगा, ताकि हम लोग देखेंगे हम लोग को कितने का माइनस लगता है इस वाले गेम में। और अब मेरा टीममेट ही लास्ट बचा, और सामने की तरफ बंदा, इसको यहाँ पे मेरे टीममेट ने उसको बॉडी शॉट मार के डाउन कर दिया। और यहाँ पर इसी का एक और टीममेट, और ये रहा, इसको भी यहाँ पे फाइनली सोनिया एक्टिवेट, और यहाँ पे डाउन भी कर दिया। दो बंदे को एक साथ मेरे टीममेट ने डाउन कर दिया, लेकिन इसी का टीममेट मेरे टीममेट को भी फिनिश कर दिया। ओह नो, इस वाले गेम में तो प्रोटेक्शन कार्ड यूज हो जाता है यार। भैया मैं तो टूट गया, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ओके तो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो मैंने ना अभी तक 10 गेम टोटल खेला है, तो चलिए गाइस देखते हैं टोटल कितने का माइनस अभी तक लग चुका है। जैसा कि आप सभी ने माय यूट्यूब फैमिली शुरू में देखा था कि मेरा स्कोर 5449 था, और अभी की बात करें ना तो मेरा इलाइट रोई का 4 स्टार लग चुका है और मेरा स्कोर 5110 है। और अगर मैं अपने टीममेट का भी बात करूं तो वो भी इलाइट रोई 4 स्टार पे आ चुका है, और मेरे टीममेट का भी स्कोर हो चुका है 4625। तो गाइस इसका मतलब अभी तक हम लोगों ने 10 मैच खेला और -300+ का लग चुका है। ओके तो माय यूट्यूब फैमिली चलिए देखते हैं टोटल हम लोगों को कितना मैच लगेगा ग्रैंड मास्टर 2 ब्राउन जाने के लिए। ओके तो माय यूट्यूब फैमिली मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।